हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक ओप्पो का सेट आया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही डेड कंडीशन पे सेट यहाँ पे ये रिपेयर के लिए आया हुआ है। और ये वही सेट है जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने 3 से 4 फ़ोन दिखाया था आपको, जो कि रिपेयर के लिए आया हुआ था। तो फ्रेंड, तो ये वही सेट है, ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है मेरे पास। डेड कंडीशन पे ये रिपेयर के लिए आया हुआ है फ्रेंड। तो आज का ये वीडियो पूरा देखे, आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे इसकी जो प्रॉब्लम है, ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा फ्रेंड, और ये क्यों ऑन नहीं हो पा रहा है उसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करने की कोशिश करेंगे और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ोन की बैटरी को एक बार चार्ज, कितनी चार्ज है उसको एक बार यहाँ से हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज 20 के रेंज पे हम मल्टीमीटर को रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है फ्रेंड हम चेक करते हैं बैटरी पे। तो यहाँ पे इसकी जो बैटरी चार्जिंग देख सकते हो, यहाँ पे 3.6 वोल्टेज, मतलब यहाँ पे 2.5 वोल्टेज समथिंग चार्ज है फ़ोन। तो इतने में जो हमारा फ़ोन है वो ऑन नहीं होगा, बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये बैटरी मैं एक बार फिर से इसके अंदर लगा देता हूँ, और लगाने के बाद यहाँ पे मैं चार्जिंग पे फ़ोन को लगा देता हूँ फ्रेंड, देखते हैं चार्जिंग पे कुछ होता है या नहीं होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया है, और लगाने के बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ भी जो है वो शो करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड, ये बिल्कुल भी डेड कंडीशन है, यह फ़ोन जो गिरने के बाद जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है, कुछ इस तरीके से कहना है कस्टमर का। तो देखो, मैंने चार्जिंग पे भी लगाया, बट यहाँ पे कोई भी जो है वो लोगो वगैरह या कुछ भी ऐसा यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार इसकी शॉर्टिंग को भी हम चेक कर लेते हैं। पहले इसकी हम जो बैटरी कनेक्टर पे हमारी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, जो कि मैंने चार्जिंग को इन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी ये वी वैट है, तो यहाँ पे हम टच करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा 0.51, जैसा कि यहाँ पे कुछ रीडिंग आ रहा है। और उसके बाद भी यहाँ पे चार्जिंग की कोई भी इंडिकेट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम एक इसकी शॉर्टिंग को एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो शॉर्टिंग को चेक करने के लिए ये है हमारा बैटरी का प्लस वाला पॉइंट है, और ये भी हमारा प्लस पॉइंट है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो फ्रेंड हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो मोबाइल है फ्रेंड वो बिल्कुल ही शॉर्ट कंडीशन में, देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट दिखा रहा है। तो एक बार मैं मल्टीमीटर को ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ, कई बार क्या होता है ये शॉर्ट नहीं भी रहता तो कई बार दिखाने लगता है। तो अभी एक बार मैंने ऑफ करके एक बार फिर से ऑन किया इसको, और एक बार फिर से यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये फ़ोन जो वो शॉर्ट है, देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों साइड रीडिंग आ रही है हमारी, वी वेट की जो हमारी कनेक्शन है वो बिल्कुल ही शॉर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे भी बिल्कुल शॉर्ट देखने को आपको मिल रहा होगा, बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे। और ये हमारी वी वेट की कनेक्शन शॉर्ट है, और इसी के वजह से हमारा जो फ़ोन है वो ऑन नहीं हो पा रहा है। और जो हमारी चार्जिंग की जो वोल्टेज है यहाँ पे वो कितनी कम बन रही है, जैसा कि आपने देखा वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये मल्टीमीटर को मैं सही से एक बार पॉइंट को इसको स्टिक करके देख लेता हूँ, कई बार ये देख सकते हो यहाँ पे ये शॉर्ट रियल में है, ठीक है। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हम अभी यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, मैंने चार्जिंग पे फ़ोन को लगाया हुआ है, तो मदरबोर्ड हल्का हल्का हीट हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। कहाँ पे हीट हो रहा है, तो एक बार फिर से इसकी मैं कनेक्टर को लगा देता हूँ, और ये बैटरी को भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और एक बार महसूस करता हूँ गर्म हो कहाँ पे रहा है। ये फुल शॉर्ट है फ्रेंड, इसके वजह से कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से बैटरी निकल गई है, चार्जिंग भी पत्ता निकल गई है, ठीक है। तो फ्रेंड ऐसे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, ठीक है, ऐसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी आपको जो फ्रेंड यहाँ पे करना पड़ेगा, ये जो केन है सिंपली इसको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ मैं, इसका जो केन है उसको यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो, फाइनली मैंने इसका जो मदरबोर्ड है उसको यहाँ से हम सिंपली मैंने ओपन कर दिया है, और कुछ इस साइड में भी इनका कुछ केन है, इधर से भी हम हल्का सा रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सा आराम से जो है वो केन को काट देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो कि हल्का सा यहाँ पे कुछ गया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ है पड़ा हुआ, लग रहा है ये वाटर डैमेज टाइप का कुछ है इसके अंदर। वैसे ही फ़ोन वाटर डैमेज टाइप दिख नहीं रहा था, बट कुछ ना कुछ तो हुआ है जो कि इस तरीके का दिखा रहा है।
तो इसका भी केन मैं आराम से यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ पहले। देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो गया हुआ है, देख सकते हो इस साइड में यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से, इसका जो केन है वो मैंने वैसे सारा ही निकाल दिया है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे देखो फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये कुछ वाटर डैमेज टाइप का यहाँ पे कुछ है, और हो सकता है यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हो वो शॉर्ट हो। तो उसको एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर से पहले, ठीक है। यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर है, और यहाँ से एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ है। देखो फ्रेंड यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है फ्रेंड इसको हम यहाँ से तोड़ देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया है, जैसा कि आपको ये कैपेसिटर दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको यहाँ से मैंने तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद इसको यहाँ पे मैंने गिरा दिया है। देखो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा आपको, तो एक बार अब इसकी शॉर्टिंग को हम यहाँ से चेक कर लेते हैं फ्रेंड कि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग अभी भी है या नहीं है। तो फ्रेंड अभी देख सकते हो कि यहाँ की जो शॉर्टिंग वो चली गई है, बैटरी कनेक्टर पे कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और अभी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा फ्रेंड, देख सकते हो आप मल्टीमीटर में। थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और देख सकते हो यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन पे उस टाइम दिखा रहा था, तो अभी हम देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। इधर भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रहा फ्रेंड, ठीक है। तो अभी क्या है फ्रेंड, इसको एक बार यहाँ से हम सेट को ऑन करके देखेंगे, वैसे हम कहीं पर और भी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कहीं पर शॉर्ट है या नहीं है। ये कॉइल है हमारा दिखा रहा है, ठीक है इधर, और यहाँ पे हम जो है वो इधर भी चेक कर लेते हैं। देखो फ्रेंड यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है हमारा फ़ोन, ये ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर जो शॉर्ट दिखा रहा है दोनों साइड से, देख सकते हो फ्रेंड, देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन हमारा जो वो शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो एक शॉर्टिंग तो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया जो कि यहाँ पे शॉर्ट था, जैसा कि आपने देखा फ्रेंड, ठीक है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे शॉर्टिंग था वो तो फाइंड हो गया। तो अभी क्या है ना, एक बार इसको चार्जिंग पे लगा के देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे रीडिंग कितना देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले जो रीडिंग हमारी आ रही थी वो कम आ रही थी, ठीक है। अभी यहाँ पे फ़ोन ये चार्जिंग पे लगा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हो, ठीक है, ये फ़ोन लगा हुआ है चार्जिंग पे। तो यहाँ पे एक बार रीडिंग हम अभी चेक करें, तो सॉरी यहाँ पे वोल्टेज 20 के रेंज पे सेट करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड इसका जो है 1.05 1.5 उसको रीडिंग यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर को लगा देते हैं, और लगाने के बाद देखते हैं कहीं पे हीटिंग और हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड कुछ इस साइड जो है ना यहाँ पे कोई चीज़ जो वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है, यहाँ पे ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है वो मैं एक बार पहले चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हीट हो रहा है। फिर ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है फ्रेंड, तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ से ये जो पेस्ट जो दिया हुआ था हीटिंग पेस्ट जो होता है वो हमारा, इसको हम यहाँ से थोड़ा निकाल देते हैं, और यहाँ पे रोजिन पेस्ट को अप्लाई करते हैं, और इसी तरीके से चेक करते हैं नॉर्मली चार्जिंग पे ही लगा के कि क्या हमारा हीट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है मैंने वो रोजिन पेस्ट को अप्लाई कर दिया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद आपको सही से नहीं दिख रहा हो, रोजिन पेस्ट मैंने अप्लाई यहाँ पे कर दिया है। और अभी क्या है, डायरेक्टली इसके बैटरी कनेक्टर को हम यहाँ पे लगा देते हैं, और बैटरी कनेक्टर को लगाने के बाद यहाँ पे बैटरी भी लगा देते हैं, और देखते हैं क्या यहाँ पे हीट होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगता है ये।
तो फ्रेंड ये हल्का हल्का हीट होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा हल्का वेट और करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हीट हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि ये हीट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो हमारी आईसी है BQIC, ये देख सकते हो यहाँ से हीट होना स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ पर आपको शायद सही से दिख रहा होगा, ये जो आईसी है हमारी वो यहाँ पर हीट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये हमारी चार्जिंग वाली आईसी है और ये हीट होना जो है हमारा वो हो चुका है, इसको हम DC to DC आईसी भी कहते हैं। तो ये आईसी हमारा हीट हो रहा है फ्रेंड, और इसी के वजह से हो सकता है हमारा जो ये शॉर्टिंग है वो हो। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हीट हो रहा है इस आईसी को हम पहले बाहर निकाल देंगे, ठीक है। बाहर निकालने के बाद इसके अंदर दूसरी आईसी को हम डाल के जो है वो चेक करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ दिखा नहीं रहा है वैसा, हम एक बार इसकी जो है वो बैटरी को लगा देते हैं यहाँ पे। बैटरी कुछ भी नहीं लगाते हैं अभी यहाँ पे, पहले मैं आपको शॉर्टिंग, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ कि ये फ़ोन शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा जूम हो गया, अभी मैं इसको यहाँ पे चेक करा देता हूँ आपको कि यहाँ पे देखो ये जो कैपेसिटर है वो दोनों साइड से शॉर्ट दिखा रहा है, और ये हमारी 4G जो PFO उनके बगल में भी ये जो कैपेसिटर है वो भी दोनों साइड यहाँ पे शॉर्ट देखने को मिल रहा है, और ये 2G वाली यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है फ्रेंड, देख सकते हो इधर कुछ भी नहीं मिल रहा, मगर इस साइड जो हमारी पावर कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आसपास में अगर हम कोई कैपेसिटर को चेक करें कौन सी जो वो कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी ये जो आईसी है सिंपली पहले हम इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ पे दूसरी आईसी को डाल के देखेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये हीट होना स्टार्ट हो गया था ये वाली आईसी हमारी, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है कि ये आईसी हमारी हीट हो रही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इधर भी रोजिन पेस्ट को अप्लाई करते हैं और इधर भी कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम DC वोल्टेज देंगे जो देखते हैं कि हमारा जो वो कौन सी चीज़ हीट हो रही है। एक चीज़ से यहाँ से कन्फर्म हो रहा है कि ये आईसी हीट हो रही है हमारी, और दूसरी तरफ से जो है फ्रेंड हम ये जो आईसी है इस पर पूरा रोजिन पेस्ट अप्लाई करके देखते हैं कहाँ पर क्या हीट हो रहा है। ठीक है, अभी हम DC वोल्टेज फ्रेंड देंगे इसको और देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। जैसा कि फ्रेंड आपने देखा कि इसके अंदर दो दो जगह से प्रॉब्लम थी हमारी, एक तो हमारा सेकेंडरी लाइन की भी शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो अभी क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे ये जो हमारा ग्राउंड है इसको हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम टच करते हैं ये हमारा जो नेटवर्क सेक्शन है यहाँ पर हम टच करते हैं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो आगे की हमारी लाइन यहाँ पे 0 ohms का लगा होता है जो कि 100 ohms के कम का होता है, तो ये शॉर्ट है मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो कई बार ये जो है वो ओपन हो जाता है। अभी हम आगे लाइन देते हैं तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस साइड से, ठीक है। इस साइड में भी एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड, तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इधर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर हमारा एक कॉइल है जो कि वो भी शॉर्ट दिखा रहा था, तो यहाँ पर एक बार टच करते हैं और इस साइड हम यहाँ पर टच करते हैं फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड यहाँ से कुछ निकला अभी फ़िलहाल, फ्रेंड यहाँ से कुछ निकला अभी शायद इस साइड से। तो यहाँ पे एक बार हम रोजिंग पेस्ट को पहले अप्लाई कर देते हैं, देखो फ्रेंड यहाँ पे मैंने रोजिंग पेस्ट को अप्लाई कर दिया इस साइड में भी यहाँ पे, ठीक है। और अभी एक बार फिर से हम यहाँ पे कॉइल पे रख के इसको चेक करेंगे फ्रेंड, और शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं ये केन पे, और यहाँ पे एक बार फिर से जो है हम वो यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है, ये कॉइल पे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है हमारा वो यहाँ पे मेल्ट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। मैंने इसकी DC to DC आईसी को नहीं निकाला दोबारा, मेरा जो माइंड किया वो काम की एक बार जो है वो ज़रूरी नहीं कि ये अगर हीट हो रहा है तो यही ख़राब हो, क्योंकि इसकी बात की कनेक्शन है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक कैपेसिटर है वो यहाँ से निकला अभी बाहर, जो कि ये शॉर्ट मेरे हिसाब से है क्योंकि ये भी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अगर आपका थर्मल कैमरा भी होता तो वो इसको कन्फर्म कर देता, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है फाइनली इसको हम एक बार बाहर निकालेंगे पहले, ठीक है, बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद इसको हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको हम पहले यहाँ से निकाल देते हैं या फिर इसको हम तोड़ देते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इसको यहाँ से जो है मैंने बाहर निकाल दिया है, ये इस पे आ चुका है फाइनली, यहाँ पे ये कैपेसिटर है हमारा,
ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर, और इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ पहले। सॉरी फ्रेंड, तो ये कहीं पे उड़ गया जैसे मैं चेक कर रहा था, तो ये कहाँ से, जैसे मैंने इसको प्रेस किया ये कहीं पे उड़ चुका है फ्रेंड। तो अभी ये अभी मिलेगा नहीं मुझे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड, पहले इसके जो कॉइल पे शॉर्टिंग आ रही थी उसको एक बार यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉइल पे शॉर्टिंग हमारी चली गई है। इधर भी हम चेक कर लेते हैं, तो हमारी जो है वो कॉइल पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, वो ओके हो चुकी है, ठीक है। और जो है इधर भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा 2-3 कैपेसिटर है पावर सेक्शन पे लगा हुआ वो भी शॉर्ट दिखा रहा था, और ये नेटवर्क सेक्शन वाला भी शॉर्ट दिखा रहा था। तो अभी देख सकते हो एक साइड बीप आ रही है, और दूसरे साइड अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो ये नॉर्मल रीडिंग आना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं तो एक साइड रीडिंग बीप आ रही है, और दूसरे साइड यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से जो वो शॉर्टिंग हट चुकी है, मतलब शॉर्टिंग फ़ोन के अंदर की हट चुकी है फ्रेंड। और अब एक बार फ़ोन को हम ऑन करके देखते हैं क्या ये फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है फ्रेंड। तो एक बार इसको जो है हम बैटरी को इसके अंदर लगा लेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहीं से भी आ सकता है। तो देख, इसमें दो प्रॉब्लम थी, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन, दोनों लाइन शॉर्ट थी इसके अंदर, और आपने देखा किस तरीके से जो है मैंने इसको रिपेयर किया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं एक बार इसको चार्जिंग पे फ़ोन को लगाते हैं और देखते हैं क्या ये फ़ोन चार्ज भी पकड़ता है या नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो फ़ोन को मैंने फ्रेंड जैसे ही चार्ज में लगाया, फ़ोन अभी वाइब्रेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ कि कुछ डिस्प्ले पे आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ क्योंकि बैटरी इसकी पूरी डाउन थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेट किया फ्रेंड, अभी तक ये फ़िलहाल कुछ आया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं एक बार चार्जिंग को निकाल देता हूँ, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ये फ़ोन वाइब्रेट करता है या नहीं करता है, आप आराम से यहाँ पे सुन सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो फ्रेंड देख सकते हो अब यहाँ पे आवाज़ इसके आप सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये इसकी शायद इसकी बैटरी डाउन है, तो हो सकता है इसके वजह से ये थोड़ा सा जो है वो अभी डिस्प्ले या ग्राफिक वगैरह पे कुछ भी नहीं आया है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या है, ये मीडियाटेक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो वो वेट कर लेता हूँ कि कुछ डिस्प्ले पे आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये इसकी बैटरी डाउन है, इसके वजह से अभी कुछ नहीं आ रहा। मेरे पास दूसरी कोई बैटरी है नहीं जो यहाँ पर मैं आपको चेक करा के क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो अभी जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसके पे जो है वो ग्राफिक वगैरह पे कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, और देख लेते हैं कि इसकी जो बैटरी है पहले कितनी चार्ज थी, जैसा कि आपने देखा था, ठीक है। 2.5 वोल्टेज के समथिंग ये बैटरी इसकी चार्ज थी, ठीक है। बट अभी भी इसके ऊपर कुछ भी डिस्प्ले पर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो एक बार वोल्टेज 20 के रेंज पर यहाँ पर मल्टीमीटर को फिर से सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद यहाँ पर पहले बैटरी को रिमूव करके हम पहले कितनी रीडिंग है उसको यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं कि हमारी बैटरी कनेक्टर पे कितनी रीडिंग यहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे 1.0 समथिंग रीडिंग हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो 1. कुछ रीडिंग यहाँ पे जो है हमारा 1. मतलब आ रहा है 1.0, ठीक है। और इसकी बैटरी पे हम एक बार कंफर्म करते हैं, पहले उस टाइम था 250 समथिंग था शायद आपने देखा होगा, तो अभी देख सकते हो 326 समथिंग यहाँ पे आ चुका है, मतलब 3.2 वोल्टेज के समथिंग इसके अंदर रीडिंग आ चुकी है, मतलब हमारी जो बैटरी है वो उठ रही है धीरे धीरे, बैटरी डाउन थी। तो एक बार फिर से इस बैटरी को हम यहाँ से लगा देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा और हम वेट कर लेंगे। तो फ्रेंड बैटरी लगाने के बाद ये फ़ोन वाइब्रेट करता है, बट ग्राफिक वगैरह या डिस्प्ले पे कोई भी लाइट देखने को अभी तक नहीं मिला है। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि बैटरी इसकी डाउन है, तो हो सकती है इसके वजह से भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो। तो फ्रेंड मैंने काफ़ी देर इसको लगा के रखा, बट अभी भी कोई भी रिस्पॉन्स इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। और पता नहीं ये इसकी तो बैटरी कन्फर्म है कि डाउन थी, और इसी के वजह से ये सेट ऑन भी नहीं हो पा रहा था। और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर शॉर्टिंग थी जैसा कि आपने देखा ही, ठीक है। एक बार फिर से इसकी जो है हम चार्जिंग फ्रेंड ये चार्जिंग पे लगाने के बाद ये फ्रेंड कुछ भी, मतलब ऑनली वाइब्रेट होता है,
और नो ग्राफिक नो लाइट, बट कुछ ही इसके अंदर नहीं आ रही है। मतलब ऐसा कोई ग्राफिक वगैरह भी शो नहीं कर रहा है जो कि मैं देख पाऊँ यहाँ पे सही तरीके से। कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है कुछ भी, लोगो वगैरह भी। अभी एक बार फिर से इसके बैटरी कनेक्टर पर हम जो है बैटरी वोल्टेज कितनी हो गई है, उस टाइम ने आपने देखा था 326 समथिंग में था, और अभी मैं एक बार देख लेता हूँ कितना हुआ ये। तो देखो अभी यहाँ पे 350 या 54 तक तकरीबन हो चुका है। इतने में हमारा जो चार्जिंग लोगो है या फिर डिस्प्ले है वो आ जाना चाहिए था, जो कि अभी तक ये आया नहीं है। तो सिंपली फ्रेंड, काफ़ी देर रखने के बाद भी ये जो फ़ोन है वो अभी तक कुछ भी डिस्प्ले पे नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि मैंने चेक किया तो फ्रेंड ये चार्जिंग हो रहा है, और जैसा कि आपने देखा, एक बार फिर से मैं इसके बैटरी को जो है वो आपको चेक करा के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितनी जो है वो बैटरी चार्ज हो गई है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3.7 वोल्टेज हो चुका है। इतना में हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी डिस्प्ले पे कोई भी लाइट कोई भी ग्राफिक नहीं आ रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे सारा कनेक्शन ओके है और मेरे पास कोई डिस्प्ले दूसरा नहीं है जो कि मैं आपको इसके अंदर चेक करके दिखाऊँ फ्रेंड। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी जो वो चार्जिंग की साउंड है वो यहाँ पर सुना देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो ये जो फ़ोन है वो चार्जिंग पकड़ना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये चार्जिंग की वेरिएशन थी, मतलब वाइब्रेट था। ठीक है, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं चार्जिंग को, और अभी इस पर जो है वो बैटरी कनेक्टर लगा के एक बार जो हम इसकी इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं, और इसमें भी देखिए ये वाइब्रेट करेगा जब मैं इसको ऑन करूँगा। तो फ्रेंड देख सकते हो फ्रेंड ये फ़ोन ऑन हुआ, बट इस पर कोई भी लाइट और कोई भी ग्राफिक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड। तो पहले मैं इस पर जो है वो दूसरा डिस्प्ले डाल के देख लूँगा, अगर ये आ जाता है तो ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो मैं इस पर मैं एक बार एक और जो है वो वीडियो बना दूंगा फ्रेंड। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आपने देखा इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लाइन शॉर्ट थी, और किस तरीके से जो है इसको जो है मैंने फाइंड किया फ्रेंड। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि मैंने आपको पूरी तरीके से लाइट डिस्प्ले पर जो है वो आके नहीं दिखाया फ्रेंड। तो खैर देख सकते हो यहाँ पे साउंड भी बैटरी डाउन का आ रहा है, फ़ोन ऑन हो चुका है, और एक बार जो यहाँ पे मैं फिर से चार्जिंग में लगा के इसकी साउंड आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड आपने देखा ये साउंड आ रहा है, यहाँ पे चार्जिंग की साउंड आ रही है, फिर से निकाल के मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो ये फ़ोन ऑन हो चुका है, बट कोई भी लाइट या कोई भी ग्राफिक इसके अंदर नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैंने इसका जो है वो डिस्प्ले ले आया हूँ। ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाया था एक दिन पहले, जिसमें मेरे पास ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन पे ये मोबाइल था, और उस टाइम मेरे पास ये डिस्प्ले दूसरा नहीं था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जो इसकी जो डिस्प्ले है वो लगा के नया देखना पड़ेगा। तो ये हमारा मदरबोर्ड, आप मदरबोर्ड को सही तरीके से चेक कर सकते हो या देख सकते हो, ये वही मदरबोर्ड है जिसपे मैंने जो वो आपकी शॉर्टिंग या प्रॉब्लम जो वो बताई थी। ठीक है फ्रेंड, तो अभी क्या है ना, इसके अंदर डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें उस वीडियो में मैंने जो है आपको एंड में सेट को ऑन करके दिखाया, बट उसमें डिस्प्ले कुछ नहीं आ रहा था। तो इसकी डिस्प्ले ख़राब थी, तो डिस्प्ले मैंने इसमें नया डाल दिया और इसकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो गई है। बट इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आपको जो है वीडियो में कंप्लीट दिखा पाऊँ, क्योंकि वैसे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस वीडियो में जो है ग्राफिक नो लाइट नो ग्राफिक कुछ भी नहीं आ रहा था, तो बट इसके डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम था, इसी के वजह से जो है तो मैंने नया डिस्प्ले लगाया और इसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। ठीक है, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये नया डिस्प्ले है हमारे पास, और ये जो ओप्पो का मॉडल है वो ओप्पो का A15 मॉडल है, मतलब A15। ठीक है, 15 सॉरी। तो ये मॉडल है, अभी देख सकते हो यहाँ पे ये सेट चालू हो रहा है। तो बस यही दिखाना था, आपने देखा कि किस तरीके से जो इसको मैंने रिपेयर किया था। इसकी थोड़ी सी बैटरी डाउन है इसलिए ये ऑफ हो चुका है, तो उस दिन मैंने चार्ज किया था बट अभी ये ऑफ हो चुका है। तो एक बार जो है इसको हम थोड़ा सा चार्ज में भी लगा के रख देते हैं और आपको हम कंप्लीट दिखाते हैं। देखो यहाँ पे चार्जिंग लोगो है, 1% चार्जिंग भी है। तो फ्रेंड मैंने फ़ोन को कर दिया ऑन, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड यहाँ से कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है फ्रेंड। ठीक है,
तो यहाँ पे फ्रेंड जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, तो शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देख सकते हो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। इसके अंदर देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो वो वर्क कर रही है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।